हम आपसे जो आपका अमरेली जिले का जो सिंगर है जो चामुंड पर है, उसने पूरा इंडिया में नाम कमाया है कि जो यूट्यूब में पूरी फिल्मी इंडस्ट्रीज में जो उसका सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगर के गाना गाना और उसकी आवाज़ की लय जो अलग ही होता है, वो आपका होनहार युवान की मुलाकात लेने के लिए जा रहे हैं। प्रथम तो हमारे दर्शक मित्रों की आपकी पहचान करवाई और हाल जो बॉम्बे का जो हाल है वो जा हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। देखिए, फिलहाल तो अभी जो गाने का शूटिंग सब रुका हुआ है और मैं गांव में हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे सब सारी चीज़ें, सब खेत में हूँ मैं, यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे हूँ, पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे हूँ। और रही बात गानों की, तो गाने तो बन ही रहे, स्टूडियो में काम से हो रहा है, बट शूटिंग रुकी हुई है फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह जब ये खुलेगा तो शूटिंग पे जाएंगे काफ़ी गाने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ एक गाना आ रहा है तो आपको वो भी सुनने को मिलेगा। और कोरोना चल रहा है तो फिलहाल अभी यहाँ पे सेफ्टी है, मुंबई जाना फिलहाल नहीं बन रहा है, तो अब अभी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, आप थोड़े दिन पहले बॉम्बे गए थे और जो फिल्म इंडस्ट्री की जो इतिहास बनाया कि कभी ऐसा हाल नहीं हुआ, तो अभी जो बॉम्बे का हाल है क्या है बॉम्बे का हाल? देखिए, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट हाँ फिलहाल काम रुका हुआ है, सबका काम चल रहा है, बट बिना शूटिंग के गाना हम कैसे बनाएंगे, गाना कैसे वीडियो बनेगा? ऑडियो तो चलो बन ही जाएगा, बट वीडियो कैसे बनेगा? जो गाने बन रहे हैं हमारे स्टूडियो में ऑडियो बनता है, वीडियो बनाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है, तो आउट ऑफ कंट्री की सारी फ्लाइटें बंद है फिलहाल। जैसे ही फ्लाइट ओपन होगी तो काफिला यहाँ से निकलेगा शूटिंग के लिए और काम चालू हो जाएगा। क्या कोरोना का मुंबई में हालचाल क्या है? कोरोना देख रहा, आप देख रहे हैं कि इंडिया में पहले नंबर पे, अभी तो फिलहाल फर्स्ट पे, काफ़ी हादसे हो रहे हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। कोरोना जो है वो दुख की बात है, तो उसका सॉन्ग बनाने का आपने सोचा है कि भाई कोई अल्लाह से या ईश्वर से कोई बंदगी करके कि भाई ये उसका कुछ करो, नहीं तो मानव जीवनों का क्या होगा? देखिए, मैंने कोई गाना तो नहीं बनाया है, बट मैं प्रे ज़रूर करता हूँ नमाज में कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए, और जिन लोगों को हुआ है उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि इनको शिफा मिल जाए, बट गाना तो मैंने फ़िलहाल कोई नहीं बनाया है, बस दूसरे गाने बनाए हैं जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी गाने बन रहे हैं और बनाए हैं, बट कोरोना पे कोई मैंने गाना नहीं बनाया। आप जो दूसरा गाना आप सोच रहे हैं कि भाई 2 गाना और 3 गाना जो आप बनाने जा रहे हो, उसकी आवाज़ क्या है, उसकी जो आप बनाने चाहते हैं कि भाई हमें अच्छा गाना ना बना है, जो वर्तमान समय के आप गाना बनाना जा रहे हैं तो वो क्या है? देखिए, अभी वर्तमान में तो काफ़ी गाने अभी चल ही रहे हैं, और जो कभी कभी क्या मैंने पहले भी आपको बताया कि सिचुएशन होती है गाने की, तो उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे गाने बनाने पड़ते हैं, तो अभी जो गाने रिकॉर्ड हो गए वही गाने रिकॉर्ड होके अब बस वीडियो बनाना बाकी है, उनका शूटिंग बाकी है, तो जैसे ही वो काम चालू होगा तो वो गाने सुनने मिलेंगे आपको, और बाकी सब गाने चल ही रहे बनाना। बिल्कुल, आप बॉम्बे थोड़े दिन पहले गए थे, जो सुशांत सिंह का जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आघात लगा है कि उसको बहुत सदमा पहुंचा है, दुख पहुंचा है कि भाई मेरे सुशांत को क्या हुआ है, तो सुशांत के साथ आपका लगाव है, उसके साथ आपकी दोस्ती है, तो वो क्या है? देखिए, सुशांत सर से मैं ना मिला था रात को, मुझे याद है वो टाइम, जब भी मुझे वो, आज भी मेरे दिमाग में, मेरी नज़र में वो सीन कैद है कि जब मैं उनसे मिला फिल्म सिटी में गया, रात को 12:30 बजे में फिल्म सिटी गया था, और सुशांत सर उनकी वैनिटी में थे, और उनके मैनेजर ने कहा कि सर कौशल मिलने आया है, तो जैसे वो बाहर निकले, बरमूडा पहना था अच्छा, और बाहर आए, बोला आजा भाई, तो उनमें इतना बड़ा एक्टर था वो, इतना बड़ा एक्टर है वो तो रहेगा सबके दिलों में, जिंदा रहेंगे सुशांत सर, जिंदा रहेंगे, बट जब वो वैनिटी से निकले तो बोले कैसा है भाई, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि कहाँ मैं और कहाँ वो, मैं तो अभी टेक ऑफ कर रहा हूँ, वो तो बन चुके हैं, दुनिया जान रही है आज उनको, तो कोई डाउन, एकदम डाउन थ्रू अर्थ है वो, और कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई हम नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, उनके लिए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, और बहुत होनहार एक्टर थे वो, बहुत अच्छे एक्टर थे, और दिल के बहुत एक्टर तो थे अच्छे, लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल, अपने जो 2-3 महीना से आप यहाँ वाक्य में हैं, तो जो वाक्य का हालचाल और ये गांव की जो रीति रिवाज जो है, जो उसका खेती में पे लगाव है और एजुकेशन कम है जो भी है, तो जो आप 3-4 महीने से वाक्य से, तो वाक्य आपको कैसा लगा और कैसा होना चाहिए? देखिए, ये तो मेरा गाँव है, मुझे अच्छा ही लगेगा, बट देखो सबकी हम अगर देखने जाएंगे तो सबकी सोच अलग होती है। बिल्कुल,
सबकी सोच अलग होती, तो सबकी सोच को हम इंसान को बदल सकते हैं, उनकी सोच को नहीं। जब तक सामने होगा तब तक हम उनको बदलने की कोशिश करेंगे, बट अगर हमारे सामने से वो चला गया तो अपनी हरकतों पर आएगा वो। कुछ लोग हरकतों से बाज नहीं आते, तो ऐसे लोगों की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी मस्त रहते और इन्जॉय करते पूरा। बिल्कुल। और तो एक बात ये है कि अपने 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 पूरी लाइफ में आप जो अच्छा सा गाना आपने पहले भी सुना था, तो ऐसा दूसरा कोई गाना हो और ऐसे ही हमारे दर्शक मित्रों को सुनने को मिलेगा सुनने को? सुनने ज़रूर मिला, बट फिलहाल वो रिलीज़ नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, अच्छा। और रिलीज़ से पहले मैं गाना सुना नहीं सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में सारी चीज़ें अप्रूवल होती है, सारी चीज़ें एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि जब तक गाना रिलीज़ ना हो तब तक आप गाना कहीं सुना नहीं सकते, आप कहीं गा नहीं सकते, तो उनके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। और कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और सिंह जो आपका जो लगाव है, आपको जो आपकी जो आशा अपेक्षा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो वो क्या है? और मेरे मम्मी पापा, आपका मम्मी पापा है जो उसकी जो स्वप्न है कि मेरे बेटा कुछ का करने जा रहा है बॉम्बे और उसको मैं सपोर्ट करने जा रहा हूँ, तो आपको ये आशा अपेक्षा है तो वो कहाँ पाओ आप दिखाना चाहते हैं, आपका मन से क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ और जहाँ भी पहुँचूंगा, इसमें माँ बाप की दुआ है, बेशक है। जब तक माँ बाप की दुआएँ नहीं होती तब आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि मुझे मेरे टैलेंट पे अभी शक है, लेकिन उनकी मेहरबानियों पे नहीं। जब तक टैलेंटेड बहुत है, मेरे से भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन सबको वो चीज़ नहीं आती जो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि लोग हवाओं से जी रहे, मैं दुआओं से जी रहा हूँ, बस यही फ़र्क है। मैं देखो, अभी ये टाइम था जो 3 महीने ये टाइम था लॉकडाउन में, दुआ कमाने का टाइम था, लेकिन लोगों ने फिर भी पैसे कमाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। दिलों का ज़मीर मर गया है, पूछा हाल शहर का तो सर झुका के बोले लोग तो जिंदा है, ज़मीर का पता नहीं। बिल्कुल, क्या बात है। तो ये सब चीज़ें, और ये रियल चीज़ें, और मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, जो जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं कहता हूँ। और हाँ, मम्मी पापा तो बेशक मेरे लिए दुआएं करते हैं, बहुत दुआएं करते हैं, उनकी दुआ की बदौलत मैं आगे पहुँचा हूँ। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पीर साहब है यहाँ गांव में, उनकी दुआ है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा टाइम आएगा, बहुत अच्छा वक्त आएगा, बहुत अच्छा दौर आएगा, ये मुझे यकीन है। और आप अमरेली ज़िले की जनता को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश का कहना चाहते हैं? और दूसरा मेरे को ये कहना है कि 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी है उसका जो आइडेंटिटी है कि सर्टिफिकेट है कि भाई मुझे 90% है, मुझे 100% है, 99% है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। वाली जो उसका मम्मी पापा उसको बोलता है कि भाई तूने इतना क्यों परसेंट लिया, तो उसको दिल को दुख पहुँचता है और फिर ये वो डिप्रेशन में छलांग लगाता है कि मुझे जीना नहीं है, मुझे कुछ। तो ये जो आज की युवा की जो थिंकिंग है, ये विचारधारा है कि जो सुशांत सिंह ने 34 ईयर में ऐसा किया, तो ये नहीं करना चाहिए, आपका क्या करना है? उसके डिप्रेशन में आना ही नहीं चाहिए, तो जो आपका जुस्सा है, आपका आत्मविश्वास युवा वर्ग में होना चाहिए, वो क्या है? देखिए, मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि परसेंटेज से कुछ नहीं होता है, 80-90-100 से कुछ नहीं होता है। मेरी पढ़ाई का देखोगे, मेरे रिजल्ट देखोगे पुराने 8वीं के 10वीं के, तो कभी मैं फेल हुआ हूँ 8वीं में, और 10वीं में कभी कभी जो क्या बोलते हैं उसको, एक हेल्प के हिसाब से वो लोग मार्क्स देते हैं वो दिए, तो मैं पढ़ाई में इतना नहीं था। वो आपका टैलेंट है, बिना पढ़े लिखे वाले लोग भी आज करोड़पति है, जिसका दुनिया में नाम है, तो वो चीज़ सोचने की नहीं है। क्या सुसाइड, वो सब जिंदगी मिली है तो अच्छे से जियो, उनको छोड़ो, नेक्स्ट ईयर दूसरी एग्ज़ाम आएगी, दूसरी एग्ज़ाम दो, पास होके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप 80-90 मार्क्स लाओ। आज साइंस वाले स्टूडेंट है, आज भाग रहे नौकरी के पीछे, साइंस के स्टूडेंट नौकरी के पीछे भाग रहे, तो ज़रूरी नहीं है, वो सब फॉरगेट करो, लाइफ को एंजॉय करो बस। बिल्कुल। आपने पढ़ाई में जो भूगोल है, गुजराती है, इतिहास है, वो कितने सालों से आ रहा है कि भाई ये राजा हो गया, ये हो गया, इतिहास में अंगणित, बीजगणित, बीजगणित, वही अब पढ़ते जा रहे, वही पढ़ते जा रहे। तो 21वीं सदी में जो टेक्नोलॉजी वाला जो अभ्यास आया है, और 21वीं सदी दुनिया क्या पहुँच रही है, तो जो टेक्नोलॉजी वाला शिक्षण आए आपका इंडिया में, तो जो नवयुवाओं को जो रोजगारी चाहिए, अभी इंडिया में पूरी प्रॉब्लम रोजगार का है, तो रोजगार की तरफ जाना है तो एजुकेशन में कोई फेरफार लाना चाहिए, क्या आपका क्या राय, आपकी क्या राय है? देखो, इसमें तो मैं तो क्या इस राय में दूँ मेरी, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस आप बच्चे लोग इंजॉय करो और पढ़ाई लिखाई करो जहाँ तक आपको, लेकिन मेरा यह कहना है कि ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ ना करो,
जिस चीज में आपकी आपको पस लगा हो आप उसमें आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि अब आप पढ़े लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं है। कुछ भी बनो, कुछ भी बनो, दिल से बनो, जो आपको अच्छा लगे वही काम करो, वही आप उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। अब मैं गाना गा रहा हूँ, मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, तो मुझे कोई बोलेगा कि भाई तू डॉक्टर बन जा, मैं जिंदगी में नहीं बन सकता। ना मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, ना मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, ना मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ। जो मैंने करना था वो मैं कर रहा हूँ। आप 3 महीने से वाक्य में हैं, तो आपने आपकी कुछ प्रैक्टिस तो की है ना, आपका सब्जेक्ट सिंगर हाँ। का है जो आपका सब्जेक्ट है, तो वो जो 3 महीने से आप उसका कोई प्रैक्टिस किया और उसका आप लगाव से आप एक चिंतित है कि मन से आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे इस तरह का गाना गाना चाहिए, तो ये आपकी सोच है, तो आपने 3 महीने का समय कहाँ निकाला? 3 महीने मैंने पूरे यहाँ पे निकाले हैं, कुदरत के साथ, मेरा घर हाँ, बस पूरे यहाँ पूरा निकाला है। सुबह जल्दी उठता हूँ, थोड़ा वॉक करता हूँ, और यहाँ का ताज़ी सब्जी, हरी सब्जी, सब यहाँ पे ही सब खाना वाना बनता है मेरा। मैं यहीं पे रहता हूँ, गांव है, बट गांव में कभी कभार जाता हूँ मैं, यहाँ से नज़दीकी है गांव, बट मैं रहता हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, यहाँ का फील बहुत अच्छा है। आप देख रहे हो यहाँ के, अभी यहाँ पे वो चिड़िया की आवाज़, बस वो आवाज़ मुझे फील करते हैं और मैं गाने ऐसे बन जाते हैं। गाने बनाने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, ना कोई ट्यूशन लेना पड़ता है, जैसे आप फील करोगे गाना वैसे बनेगा। और अमरेली ज़िले के लोगों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, आप आपकी राय तो आप दे सकते हैं। देखो, मेरा गांव है, मेरा ज़िला है ये अमरेली, तो संदेशा तो क्या दूँ, बस खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और भी गाने आपको बहुत जल्दी सुनने मिलेंगे, और दुआ में याद रखिएगा। दर्शक मित्रों, आपने देखा कि 34 ईयर में सुशांत सिंह ने डिप्रेशन में फिल्मी जगत में एक हचमचा दी और सबको ये सदमा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस, हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, तो ये नौजवान है जो जामुड़ भाई, उसने पूरी अपनी पहचान दी, उसने आपका सिंगर में उसका लगाव था वो उसने सुनाया। और जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमें कुछ जीतना है, हमें कुछ करना है, ऐसा रखो। ये सर्टिफिकेट में 90% आया, 100% आया, वो क्या है, आपके पास कुछ टैलेंट तो है ना, तो ये टैलेंट पर आप उसका थिंकिंग कीजिए, उसके एजुकेशन में आप लगाव कीजिए, तो कुछ भी बन सकते। जो मेरे भाई जामुड़ भाई ने, कौशल भाई ने जो एक छलांग लगाई कि भाई हमें बॉम्बे जाना है और हमें कुछ करना है, और कर रहे हैं, और अभी कुछ नया करने जा रहे हैं, और अगले समय में हम कौशल भाई का इंटरव्यू दिखाएंगे। एम्बल टीवी न्यूज, मनोज सेदानी, वाक्य। इसी बात पे मुझे एक और शेर याद आ रहा है कि तख्त पलटा है वक्त के बादशाहों का,
तख्त पलटा है वक्त के बादशाह होगा, इलाही मेरी फकीरी सदा बाहर रखना। मेरे पीर ने मेरे लिए बहुत दुआएं की है, आज जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरा काम चल रहा है, सब मेरे पीर की दुआ है, बस यही मानता हूँ और यही है। अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला।